नमस्कार, मैं सुनील, आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं उपस्थित हूं पर्ट को लेकर के। पर्ट यानी कि कार्यक्रम मूल्यांकन एवं पुनरीक्षण कार्यक्रम, जिसको कि हम इंग्लिश में प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक्स कहते हैं, और साधारण भाषा में और संक्षेपीकरण में हम इसको पर्ट कहते हैं। दरअसल ये जो प्रबंध विज्ञान है, एक क्या है, ये एक प्रबंध विज्ञान है। अर्थात ये जब प्रबंधन के क्षेत्र में एक वैज्ञानिक टेक्निक के रूप में, तकनीकी के रूप में इसको विकसित किया गया है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी कार्यक्रम को जब हम विकसित करते हैं, कोई भी जब हमारा प्रोजेक्ट चल रहा होता है, किसी भी प्रकार के जब हमारे सिनेरियो चल रहे होते हैं, उसको किस प्रकार से हमें प्रबंधित किया जाए, उसको किस प्रकार से हमें विकसित किया जाए, उसको किस प्रकार से नियोजित किया जाए, उसको किस प्रकार से उसको समीक्षित किया जाए, इन सारी चीजों को इस माध्यम से, इस प्रबंध विज्ञान के माध्यम से, इस पर्ट के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, तो इवेल्युएट कर सकते हैं, इसको समीक्षित कर सकते हैं, इसको इसके उद्देश्यों को परिभाषित कर सकते हैं। इन सारी चीजों के लिए हम क्या करते हैं, तो कार्यक्रम मूल्यांकन और पुनरीक्षण तकनीकी का हम उपयोग करते हैं, पर्ट का हम उपयोग करते हैं। दरअसल अगर हम ऐसा कहें कि मुख्य तौर पर यह प्रबंध विज्ञान में भी ये सबसे ज्यादा कहां पर प्रयोग किया जाता है, तो आप देखेंगे कि रिसर्च के क्षेत्र में बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। ताकि हम कोई भी कार्यक्रम अगर हम चलाते हैं, मान लीजिए कि ABCD नामक कार्यक्रम है, ए नामक कार्यक्रम है, और हमने अगर किया है इसको, अगर हमें चलाना है, तो हम क्या करते हैं, तो ये कार्यक्रम का जो भी कार्यक्रम हमने चलाया, सबसे पहले हम उसको मूल्यांकित करते हैं कि ये कितना सही कितना गलत क्या है नहीं है। और कार्यक्रम जब मूल्यांकित कर लेते हैं, उसके बाद हम उसका रिव्यू करते हैं, उसकी समीक्षा करते हैं कि ये जो कार्यक्रम चल रहा है वो कितना सही कितना गलत, कितना सही ढंग से चल रहा है, नहीं ढंग से चल रहा है। इन सारी बातों को, इन सारे तथ्यों को जब हम उपयोग करते हैं प्रबंध विज्ञान के माध्यम से, जिस टेक्निक के माध्यम से, जिस तकनीकी के माध्यम से, उसको हम पर्ट कहते हैं। दरअसल अगर हम ऐसा कहें कि इसके मुख्य तौर पर ये चार धुरी माने जाते हैं, इसमें अर्थात ये जो पर्ट हैं इसके चार धुरी माने जाते हैं। सबसे पहले इस धुरी का में क्या होता है, तो उद्देश्य को परिभाषित करना। फिर दूसरा जो होता है कार्यक्रम विभाजन तथा संरचना तैयार करना, तीसरी जो धुरी होती है वो क्या होता है, तो तंत्र रूपांतरण। फिर जो चौथी धुरी होती है वो होता है समय अनुमान का निर्धारण। एक हम आपको कहते हैं, एक छोटा सा उदाहरण के माध्यम से हम पहले समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक 1986 की जो नीति थी, शिक्षा नीति थी, अब उस समय में जो चला, वो कार्यक्रम जो हुआ, उसके बाद हमें क्या करना पड़ता है, वो जो कार्यक्रम आज के संदर्भ में वो कितना सापेक्ष है, कितना प्रासंगिक है, उन सारी चीजों को हमें क्या करना पड़ता है, समीक्षा करनी पड़ती है, हमें रिव्यू करना पड़ता है, और रिव्यू के पश्चात हमें फीडबैक देना होता है कि वो आज के समय में वो प्रासंगिक है अथवा नहीं है। ये तो जस्ट उदाहरण के रूप में मैंने दिया, ऐसे ये तो बहुत पास्ट में हुआ था और उसका, लेकिन ऐसा कार्यक्रम जो भी कुछ अभी भी बना हुआ है, और जो हमने तैयार किया उस कार्यक्रम को, और जो चल रहा है उसको हमने सबसे पहले मूल्यांकित किया कि ये कितनी गुणवत्ता को प्रदर्शित कर सकता है, क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है। फिर
इसका जो इसको जो ये जो कार्यक्रम अब चलने लगा, इसका अब आउटकम क्या निकल के आ रहा है, वो जिस कार्यक्रम की शुरुआत जिस उद्देश्य से मैंने की थी, क्या उस उद्देश्यों की परिपूर्ति कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, इन तमाम बातों को हम इस प्रबंध विज्ञान या पर्ट के माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं और इसको फिर हम उसके उद्देश्य के माध्यम से उसको सुनियोजित भी करते हैं। तो हम ये सबसे पहले पिलर को हम देख लेते हैं। तो इसमें क्या है कि उद्देश्य को परिभाषित करना। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि उद्देश्य जो भी हमारा कार्यक्रम है, इसके सबसे पहले वस्तुनिष्ठता को हम जांच लेते हैं कि इसकी वस्तुनिष्ठता इसमें होगी अथवा नहीं। सबसे पहले हम इसके वस्तुनिष्ठ शब्दों को पहले लाते हैं, उसके अर्थों को जानते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, क्या करना नहीं है, इसके तमाम प्रकार से हम इसके अर्थों को जानते हैं। अर्थों को जानने के बाद हम इस कार्यक्रम को परिभाषित करते हैं कि भैया हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस प्रकार से करना है, क्या नहीं करना है, क्या होने के समय में क्या होना है, क्या नहीं होना है। इन सारे तथ्यों को हम क्या करते हैं, पहले अर्थों को जान लेते हैं। इस कार्यक्रम के संबंधित जो मुख्य तौर पर अर्थ हैं, हम उसको पहले जान लेते हैं, उसकी वस्तुनिष्ठता को जान लेते हैं, फिर उसको परिभाषित करने का प्रयास करते हैं कि ये कार्यक्रम जो हमारे द्वारा चलाया जा रहा है या चलाया जाएगा, वो किस प्रकार का होगा, कैसा होगा, उसका डूब ढांचा कैसा होगा, सारी चीज़ों को इसमें हम तैयार करते हैं, परिभाषित करते हैं। अब सेकेंड जो आता है वो बहुत मायने रखता है इसमें, कार्यक्रम विभाजन तथा संरचना तैयार करना। अब जो भी कार्यक्रम जो भी मैंने लॉन्च किया है या जो भी हमारा कार्यक्रम है, उसको हम क्या करते हैं, तो उसका विभाजन करते हैं। अब मान लीजिए कि कोई भी जो कार्यक्रम करते हैं, उस कार्यक्रम में बहुत सारे विभाग होते हैं, उस विभागों को हमें पहले बंटवारा करना पड़ता है। अब जब विभागों को बंटवारा जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक उस कार्यों का सही उपयोग नहीं हो पाएगा। तो हम सबसे पहले उसको कार्यों का बंटवारा करते हैं। एक जैसे संस्था है, उस संस्था में मान लीजिए कि एक विद्यालय है। अब विद्यालय में केवल शिक्षा का कार्यक्रम ही नहीं चलता है, अब शिक्षक का क्या काम है, उसमें जो प्यून है उसका क्या काम है, जो किरानी है उसका क्या काम है, जो माली है उसका क्या काम है, जो चपरासी है उसका क्या काम है, जो गेट कीपर है उसका क्या काम है, मतलब सारे लोगों का बंटवारा होता है। जो सुपरवाइजर है उसका क्या काम है, जो प्रिंसिपल है उसका क्या काम है, इन सारे चीज़ों का। फिर शिक्षकों में भी तमाम प्रकार के जो शिक्षक हैं, जैसे कोई गणित वाले हैं, कोई संस्कृत वाले हैं, कोई एजुकेशन वाले हैं, कोई भूगोल वाले हैं, अन्य अन्य विभाग वाले हैं। तो सबसे पहले हम कार्यक्रम का बंटवारा करते हैं, किसी भी कार्यक्रम को तो कार्यक्रम का पहले बंटवारा करते हैं, उसका विभाजन करते हैं। और विभाजन के पश्चात हमें ये यहाँ पर जान लेना आवश्यक होता है कि जो काम हम जिस विभाग को दे रहे हैं या जिन लोगों को दे रहे हैं, क्या वो सक्षम हैं अथवा नहीं हैं। इन सारे तथ्यों का हम पहले क्या करते हैं, विभाजन करते हैं और उसको सही ढंग से संरचित करते हैं। संरचित का मतलब है स्ट्रक्चर्ड वे में। अब ऐसा नहीं कि मान लीजिए कि अगर ABCD पहले आता है तो हम DBD को पहले दे दें, सी को बाद में दे दें और जेड को इस मध्य में घुसा दें और ए को हमें बाद में दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। अर्थात हम सबसे पहले विभाजित करते हैं जो भी कार्य होता है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, उद्देश्यों को देख लिया, उसको परिभाषा को देख लिया, उसके अर्थों को स्पष्ट कर लिया। इन सारे उद्देश्यों की परिपूर्ति जब हमारी हो गई कि हमारा उद्देश्य क्या है, उसके बाद हम उसको विभाजित करते हैं कि वो उस हम किस किस प्रकार से उसको बंटवारा कर सकते हैं। इन सारे तथ्यों को हम क्या करते हैं, इसके माध्यम से हम बंटवारा करते हैं और उसको संरचित भी करते हैं, उसको स्ट्रक्चर्ड वे में करते हैं। कोई भी पहले कोई भी बाद में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रमिक होना चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए। तो इस माध्यम से हम इसमें जाते हैं। फिर आता है आपका तंत्र रूपांतरण। अब तंत्र रूपांतरण में हम क्या करते हैं, तो तंत्र रूपांतरण के माध्यम से इसमें अब यहां पर जो विभाग है,
अब यहां पर जो विभाग है उसको हम एक प्रकार से श्रृंखलाबद्ध डिजाइन करते हैं। क्या करते हैं? तो श्रृंखलाबद्ध के रूप में इसको हम डिजाइन करते हैं। डिजाइन इस इन द सेंस यहां पर ऐसा करते हैं कि हम उसको श्रृंखला रूप में तब तक विभाजित करते रहते हैं जब तक कि वो अंत, उसके बाद वो विभाजन खत्म ना हो जाए, उसका वो विभाजन खत्म नहीं हो जाए तब तक हम उसको पहले विभाजित करते रहते हैं। उसका तंत्र रूपांतरण का मतलब है ये है कि अब यहां पर जो एक प्रबंधकारिणी सदस्य है या प्रिंसिपल हैं, अब यहां पर वो उनके द्वारा बहुत सारे विभाग को बंटवारा कर दिए गए, विभाग को बंटवारा कर दिए गए, उसके बाद इसमें हम चेन सिस्टम और श्रृंखला का निर्माण करते हैं। उसके और ज़्यादा विभाग किस प्रकार से कर सकते हैं, उसको तंत्रों के रूप में किस प्रकार से श्रृंखला के रूप में एक चेन के रूप में हम किस प्रकार से बांट सकते हैं, इन सारे उद्देश्यों को हम यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और तब तक हम बांटते हैं जब तक कि हमारा उसके बाद कोई बंटवारा नहीं हो सकता है इस तरीके से। और हम इस चेन के माध्यम से क्या करते हैं, तो सबके साथ सबको जोड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि अब ये यहां पर अगर तीन बंटवारा है तो तीनों का यहां पर जो है वो आपसी संयोग है वो संदर्भित करता है, अर्थात संबंध को भी संदर्भित करता है। तो हम बंटवारा तो कर ही लिए लेकिन आपस में आपसी जो संबंध है, क्योंकि संबंध बहुत मायने रखता है, जब तक अच्छा संबंध नहीं होगा तब तक कुठाराघात होता रहेगा, तब तक विरोधाभास होता रहेगा और कोई भी कार्यक्रम सफल सुफल नहीं हो पाएगा, कोई भी संस्था अच्छी तरीके से नहीं चल पाएगी। तो उसके लिए हम यहाँ पर इस प्रकार से तंत्रों का बंटवारा करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, तो डिजाइन इस प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार से डिजाइन करते हैं कि सबके साथ सबका कॉम्बिनेशन बना रहे, संबंध अच्छा बना रहे और साथ में कोई भी किसी से किसी प्रकार का कोई भी मतभेद ना हो और हमारा जो काम है वो बहुत ही सुपीरियर तरीके से और स्ट्रक्चर्ड वे में वो एकदम से, अब मान लीजिए कि इनको अगर रिपोर्ट करना है वो इनको करेंगे, इनको करेंगे, ये करेंगे, इन इस विभाग में जितने भी हैं वो इनको करेंगे, सारे के सारे इनको रिपोर्ट करेंगे, ये रिपोर्ट फिर यहाँ से यहाँ पहुँचाया जाएगा। तो एक प्रकार से स्ट्रक्चर्ड वे में हम विभाजित करते हैं, विभाजित के बाद संबंध स्थापित करते हैं और संबंध स्थापित इस प्रकार से करते हैं ताकि वो बहुत ज़्यादा सुनियोजित तरीके से यहाँ पर कार्यवाही चलती रहे। और ये जो तंत्र रूपांतरण है इसके मुख्य तौर पर तीन धुरी होती हैं, घटनाएं, क्रियाएं और बाधाएं। यहां पर अगर हम तंत्र रूपांतरण को देखेंगे तो यहां पर इसकी तीन धुरियां होती हैं, घटनाएं, क्रियाएं और बाधाएं। अब क्या क्या, कौन कौन सी घटनाएं घटती रहती हैं, उन सारे पक्षों को हम देखते रहते हैं कि कैसी घटनाएं चलती रहती हैं, व्यवस्थित रूप में चल रही हैं अथवा नहीं, किस किस प्रकार से चल रही हैं, इन तमाम सारी घटनाओं को हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो घटनाएं चल रही हैं उसके मुताबिक हमारी क्रियाएं चल रही हैं अथवा नहीं। अब ऐसा तो नहीं है कि जो घटनाएं चल रही हैं और उसके मुताबिक क्रियाएं अगर नहीं हो तो क्या ये हमारा प्रबंधकारिणी या टेक्निक हमारा चल पाएगा, नहीं चल पाएगा। तो ये हमें यहाँ पर क्रियाओं को भी यहाँ पर सुसज्जित करनी होती हैं कि जिस प्रकार की घटनाएं चल रही हैं, जिस प्रकार के काम करने चाहिए, क्या उस प्रकार की क्रियाएँ हो रही हैं अथवा नहीं। फिर बाधाएँ, अब कार्य करने में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, तो उन बाधाओं से हम किस प्रकार से क्या करें, अपने आप को निकालें या उन बाधाओं को खत्म कर दें। तो जब भी हम उन बाधाओं को खत्म कर देते हैं तो निश्चित ही हमारा जो मान लीजिए कि जो हमारी क्रियाएं हैं उसमें बहुत ज़्यादा विकसित होती है। और देखिए, अगर मान लीजिए कि बाधाएं यहाँ पर ऐसी ही आ गई कि बहुत सारे यहाँ पर तंत्र का विभाजन किया गया और आपस में ही दो चार आदमी लड़ बैठे तो वहाँ पर वो बाधाएँ आ गई। अब बाधाएँ आ गई तो वो लड़ना किस प्रकार से खत्म हो उसको हम सबसे पहले यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे कि उन घटनाओं को जो कारण था उसी को आप खत्म कर दीजिए तो लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी, और लड़ाई अपने आप खत्म हो जाएगी तो क्रियाएं अपने आप चालू हो जाएंगी। इसी प्रकार से
काम करने में भी बहुत सारी ऐसी बाधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। कई बार जो मशीनी चीज़ें हैं वो भी काम नहीं करती रहती हैं, कई बार जो लोग हैं वो थक जाते हैं, बहुत सारे ऐसी बाधाएं आ सकती हैं। उन बाधाओं के कारणों को ही हमें नष्ट करना होता है और उस कारण को खत्म करके हम फिर अपने क्रियाओं में सुसज्जित तरीके से लग जाते हैं। अब फिर आता है आपका समय अनुमान का निर्धारण। अब समय अनुमान का निर्धारण आता है, इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखते हैं कि हम कितने समय में क्या क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, किस प्रकार से कर सकते हैं। इन तमाम बातों को हम समय अनुमान के निर्धारण में स्पष्ट करते हैं। तो इसमें भी हम देखेंगे तो ये समय का जो निर्धारण होता है उसमें तीन प्रकार से हम करते हैं, जैसे आसान्वित, फिर दूसरा आता है संभवतम और तीसरा आता है निराशाजनक। अब ये तीन तरीके से यहां पर हम समय का निर्धारण करते हैं, समय के अनुमान का हम निर्धारण करते हैं। पहला आता है आसान्वित, दूसरा आता है संभवतम और तीसरा आता है निराशाजनक। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि इसको हम ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हैं, तो यहां पर ओ से इसको जानते हैं, इसको ओ से जानते हैं, इसको हम मोस्ट लाइकली इसको हम मुख्य तौर पर हम एम से जानते हैं और इसको हम पेस्टिमिस्टिक के नाम से जानते हैं, तो पी से जानते हैं। तो यहां पर समय के अनुमान का निर्धारण कोई भी जब हम काम करते हैं तो हमें समय के अनुमान का निर्धारण तो करना ही पड़ता है भैया, कि हम किस कितने समय तक, हम कितने दिन में, कितने सप्ताह में, कितने वर्षों में उन काम को करने वाले हैं। तो ये समय का निर्धारण बहुत ही मायने रखता है। अब यहां पर आसान्वित का मतलब क्या है कि कोई भी काम अगर समय पर हो गया तो हम इसको आसान्वित कहते हैं। अगर मोस्ट लाइकली या संभवतम हम किसको कहते हैं तो समय से अगर कुछ लेट होता है हम उसको संभवतम कहते हैं, और समय से बहुत लेट हो सकता है या समय पर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, इसको हम क्या कह सकते हैं कि निराशाजनक। अब इसमें तीन जो कार्यक्रम होते हैं, एक आसान्वित जो होता है, जब भी जिस भी क्रिया को हम जितने दिनों में, जितने हमने एक जो निर्धारित समय अनुमान रखा है कि हमारा काम ये एक हफ्ते में पूरा हो जाएगा, एक महीने में पूरा हो जाएगा, एक वर्ष में पूरा हो जाएगा, तो अगर जो भी हमारा समय का अनुमान था उसके अकॉर्डिंग अगर पूरा हो जाता है तो हम इसको किस में रखते हैं, ओ की कैटेगरी में रखते हैं। ओ मतलब ऑप्टिमिस्टिक, इसको हम आसान्वित के कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि आशावादी है भैया, जो हमने समय का निर्धारण किया था उसी समय पर हो रहा है। अगर मान लीजिए कि ये समय पर पूरा ना हो करके ये समय से लेट थोड़ा सा लेट पूरा होता है तो हम इसको संभवतम में, तो हम इसको मोस्ट लाइकली कहते हैं, इसको हम एम कहते हैं, मोस्ट लाइकली कहते हैं, अर्थात समय से कुछ लेट हुआ। अब मान लीजिए कि एक महीने का समय था और समय से एक महीने पाँच दिन में ख़त्म हुआ, तो इसको हम मोस्ट लाइकली या संभवतम की श्रेणी में रखते हैं। फिर तीसरा होता है कि समय से बहुत ज्यादा लेट हो गया, पेस्टिमिस्टिक इसको कहते हैं, इसको हम निराशाजनक स्थिति में रखते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई भी ऐसा काम जो भी हमने अगर एक महीने में समय पर खत्म करना था लेकिन लग गए कितने, दो महीने, तीन महीने, या फिर दो महीने के बाद भी वो काम हुआ ही नहीं, तो ऐसी श्रेणी को हम क्या कहते हैं, निराशाजनक की श्रेणी में रखते हैं। तो इसके जो मतलब एक सूत्र हैं, सूत्र इस प्रकार से हैं कि जैसे इसको हम TE कहते हैं, तो TE इक्वल टू TO प्लस 4TM प्लस TP बाय 6। ये इसके क्या हैं,
तो सूत्र हैं, ये कई बार पूछा जाता है, आपसे सूत्र भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर ये देखिए कि ये जो पार्ट है इसकी शुरुआत भी कब हुई, लगभग 1950 में हुई है। तो मुझे लगता है कि ये इसके बारे में आपने बेहतर ढंग से जाना होगा। इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।